मित्रों, दुनिया में तीन चीजों का मुकाबला चल रहा है। एक ग्लोबल रिसेशन, हमारे सामने भी ग्लोबल रिसेशन का संकट था और हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर एक रेस फॉर्मूला दी थी दुनिया के सामने और हमने कहा था रेस फॉर्मूला से ग्लोबल रिसेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। और मित्रों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि ग्लोबल रिसेशन का कोई इम्पैक्ट गुजरात की धरती पर नहीं हो। दूसरा है ग्लोबल टेररिज्म, तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। चाहे ग्लोबल रिसेशन हो, ग्लोबल टेररिज्म हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति को उसके लिए अपने आप को सज्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। क्रिमिनल वर्ल्ड भी ग्लोबल स्वरूप ले रहा है। एक हॉलैंड में बैठा हुआ लड़का चाहेगा तो आपके ऑफिस से सारे कागजात चोरी करके अपने यहां बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से उठा ले जाएगा। 50 टन का माल वो एक ही क्लिक करके ले जा सकता है। ये स्थिति बनी है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग और दुरुपयोग हो सकता है तो हमें उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करना पड़ेगा। और उसी में से जन विचार आया था कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब ने देश और दुनिया में बहुत बड़ी कीर्ति पाई है। मित्र, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब को ग्लोबली काम पाने का अधिकार मिला हुआ है। दुनिया के अनेक देश अपने वहां की क्राइम की घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन के लिए गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब का उपयोग करते हैं। हिंदुस्तान में जितने नोन केसेस होंगे, आप पिछले 10 साल के आप मन में याद कर लीजिए, कौन सा केस, मैं दावे से कहता हूं ऐसा एक भी केस ऐसा नहीं होगा कि जिसको गुजरात फॉरेंसिक साइंस लैब से मदद न मिली हो। जब एक इंस्टीट्यूशन एज ए लेबोरेटरी काम कर रही है, क्यों नहीं इंस्टीट्यूशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के काम में लगे। और मैं आज भारत सरकार का भी आभारी हूं, मिस्टर राव का आभारी हूं कि उन्होंने देश के सभी फॉरेंसिक साइंस डायरेक्टर्स को आज बुलाया है। आप अंदाज कर सकते हैं मित्रों, ये इस घटना का कितना महत्व है, वरना देश में कभी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का जन्म नहीं हुआ होगा तो उस विषय के देश के सभी प्रमुख लोग उस कार्यक्रम में हाजिर हो। आज ये घटना घट रही है, यानी देश को हम और दुनिया को बहुत बड़ा नजराना देने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होने वाला है। मित्रों, मुझे याद है जिस समय में पहली बार फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात मीडिया में पहली बार जब आई, दूसरे ही दिन मुझे इजराइल ने मेरा कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने कहा कि वी आर वेरी गुड टू बी पार्ट ऑफ इट, वे चाहते थे कि हम इससे जुड़ना चाहते। और इजराइल ने सुओ मोटो उसे फैकल्टी देना उस समय में काफी रुचि ली है और हम जानते हैं इस सारे क्षेत्र में और उनका जो सस्पेक्ट डिटेक्शन सिस्टम जो है, जो इससे वेरी फेमस इन इजराइल, वो अब शायद हमारे साथ एमओयू भी करेंगे और ऑफिशियली वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूएसए, उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडर्सफील्ड यूके, ये यूनिवर्सिटी है जो अपने यहां एकाधिका विषय को पढ़ाते, कोई फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ाते, ज्यादातर तो साइकोलॉजी के विषय में पढ़ाते हैं। ये दुनिया की अनेक यूनिवर्सिटीज आज गुजरात की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने की दिशा में आगे आ रहे हैं। हम एक नए विषय को लेकर के आने वाले दिनों में काम करने के लिए चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो सेंटर फॉर एक्सलेंस के रूप में कैसे आगे आए। मैंने जानता हूं आज मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मन में सपने बहुत हैं, देश के लिए कुछ करने का इरादा है। और उसमें एक विषय है मन में जो फॉरेंसिक्स नैनो टेक्नोलॉजी, ये फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी अगर जिस रूप से जितना छोटा मोटा मैं इधर उधर पढ़ता रहता हूं, मुझे अंदाज आ रहा है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हम खड़े होते हैं तो आज नक्सलवाद के कारण, आतंकवाद के कारण,
हमारे 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के होनहार अफसर जवान शहीद हुए। एक फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी उनकी जीवन रक्षा की व्यवस्थाओं को खड़ा कर सकता है। कितना ही बड़ा हमला क्यों ना हो, उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। आने वाले दिनों में फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से नए बुलेट प्रूफ इंस्ट्रूमेंट बनने की संभावना है। बुलेट प्रूफ जैकेट बन सकते हैं, बुलेट प्रूफ कार बन सकती है, बुलेट प्रूफ सपोर्ट सिस्टम्स बन सकती हैं, जो इस प्रकार के आतंकवादियों के मंसूबों से हमारी इस होनहार पीढ़ी को बचा सकते हैं। वो देश के लिए, समाज के लिए निकले हैं घर से, उनके पास सुरक्षा के साधन नहीं, इसलिए वो मर जाए, ये तो गवारा नहीं हो सकता। तो उसको बदलाव के लिए एक बड़ा काम इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की नैनो रिसर्च के माध्यम से, और उसको सेंटर फॉर एक्सेलेंस बने, तो हो सकता है दुनिया के अंदर हम इस ज्ञान का उपयोग, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी वो अपना उसको काम करेंगे, लेकिन बेसिक रिसर्च का काम हो सकता है हमारी सुरक्षा बलों की जिंदगी को बचाने के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है, और उस दिशा में हम जाना भी चाहते हैं। आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा इन्वेस्टिगेटिव साइकिल आती है, मित्रों इन दिनों में काउंसलिंग का विषय, जैसे परिवार में भी अब इन दिनों बड़े बड़े परिवारों में गया है कि नई जनरेशन का जरा काउंसलिंग होता रहे, क्योंकि माँ बाप को समय नहीं होता है, तो उसको बेचारे को मन में जो चीजें भरी पड़ी है कैसे निकाले, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मित्रों वेस्टर्न वर्ल्ड में समस्या सबसे पहले आई, क्योंकि ग्रोइंग एज में बच्चे को सुनने समझने की व्यवस्था नहीं होती। हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली थी, और ज्वाइंट फैमिली होने के कारण बच्चे के मन में कोई भाव आता तो कभी दादी का आगे, कभी दादा के आगे, कभी मामा के आगे, कभी मौसी का आगे, वो अपना उसके मन की बातें निकल पड़ती थी। ज्वाइंट फैमिली होने के कारण इक्वल एज के भी 5-7 लोग घर में एक साथ होते थे, लेकिन अब पति पत्नी दो ही हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चा अकेला है, वो अपने स्कूल के साथियों के साथ और दिन रात यही सोचता है। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड को जो समस्याएं आई थी वो हिंदुस्तान को आ रही है, धीरे धीरे प्रवेश कर रही है, और ऐसी स्थिति में उनका काउंसलिंग अनिवार्य हो गया है। मैं मानता हूं कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बच्चों की जिंदगी को कभी बर्बाद होने से बचाए, प्रिवेंटिव एक्टिविटी के रूप में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती, उसको क्रिमिनल वर्ल्ड में जाने से रोक सकती है, उसको आत्महत्या करने से रोक सकती है, उसको डिप्रेशन में जाने से बचा सकती है। और क्राइम को दुनिया को समझने वाले फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अगर इस काम को करेंगे तो बहुत अधिक सटीक तरीके से कर सकते, उसके सर्कल को, एनवायरमेंट को पहचान सकते। आप कल्पना कर सकते हो कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी समाज जीवन के अंदर आने वाले संकटों से बचाने के किस प्रकार से रोल प्ले कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास करने का हम लोगों का प्रयास है। उसी तरह विश्व में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी खुद परिणाम नहीं देती, उस टेक्नोलॉजी के साथ उस मनुष्य का भी जुड़ना जरूरी होता है कि जो उससे एक कदम आगे, तभी तो वो टेक्नोलॉजी का 100% यूज कर सकता है और मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगा, जो आने वाले दिनों में प्रिवेंशन के क्षेत्र में देश और समाज के भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशन को कैटर करेगा, उसी प्रकार से इंडिविजुअल के काम आएगा, बदलते हुए क्रिमिनल वर्ल्ड को समझने में काम आएगा। और एक गुजरात की धरती पर हो रहा है ये कदम आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।